गाइस सबका स्वागत है मेरे अकाउंट नए वीडियो में। तो भैया इस समय आया हूँ कानपुर रेलवे स्टेशन और जा रहा हूँ भैया इटावा तरफ, कुछ काम है तो फिलहाल वहीं जा रहा हूँ। करीबन बज रहा है रात के 12, तो ठीक है। और ये वाली वीडियो मेरी आएगी कल, तो चलो कंटिन्यू बने रहना और ये ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते। तो भाई फिलहाल अभी आ गए कानपुर रेलवे स्टेशन पर, भैया अभी यहाँ पर बैठे हैं और थोड़ा तगड़ा तगड़ा हो रहा है। फिलहाल अभी यहाँ से जा रही इटावा तक, छोटी जर्नी है भाई, तो फिलहाल किसी काम से जा रहे हैं जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो भैया अभी ये अपने सामने देख रहे हो, ये प्रयागराज रेल ट्रेन आ गई है भैया। 124/18 ट्रेन नंबर 124/18 ये प्रयागराज जाएगी, न्यू दिल्ली से प्रयागराज तक चलती है ये वाली ट्रेन, ठीक है। और फिलहाल हम लोग मेरे को जिस ट्रेन से निकलना है वो है बीकानेर ट्रेन, और वो फिलहाल अभी इलाहाबाद के पास है। और फिलहाल जैसे ही रात के करीबन 1:30-2 बजे तक कानपुर रेलवे स्टेशन पे आ जाती है। तो चलो ये आज का मेरा ट्रेन ब्लॉग हो जाएगा यार, अच्छा नहीं। चलो बने कंटिन्यू बना रहना भैया। तो फिलहाल भैया अब ये ट्रेन जाए, ये यहाँ से भैया निकले है तो इसी तरफ पड़ता भैया अपना, यही रूट है, ये यहाँ से निकले। और फिलहाल उसके बाद फिर अपनी एक घंटे तक वेट करना, फिर उसके बाद यहाँ से चलना, ठीक है। तो चलो कंटिन्यू बने रहना और थोड़ी देर में मिलते हैं। देखो भैया ये आई है गया टू नई दिल्ली वाली मधुबनी एक्सप्रेस है भैया। इसके डिब्बे आप लोग देखो इससे कितने पुराने लग रहा भाई, ऐसे लग रहा पता नहीं कौन से ज़माने के डिब्बे हैं, तो बहुत गंदे से लग रहा है। और भाई भरी आप लोग देखो निकल गया, थोड़ा सीन दिखा देते हैं आप लोग को। आइए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आइए मधुबनी एक्सप्रेस। और भैया जो बिहार तरफ जाती है ना ट्रेन है, तो आप लोग को भी मालूम होगा कितनी ज़्यादा भीड़ रहती है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा भीड़ रहती है। मैं एक दो बार जा चुका हूँ ना, एक आध बार आगे जाऊँगा तब आप लोग को वो वाला सफ़र दिखाऊंगा। भाई इतनी तगड़ी भीड़ रहती है ना कि आदमी को ऐसे उस समय तो ऐसे लगता है कि भैया कौन से नर्क में चले आए भैया, बहुत एकदम नर्क से बुरा हाल होता समझ लो। भाई ये फिलहाल आ गई फाइनली अपनी ट्रेन भैया, और यहाँ से निकलते हैं तेजी में। तो भैया ये आई है अपनी बीकानेर सुपर फास्ट ट्रेन, और जाना इसी के अंदर बैठना। आप देखो जनरल वाला डिब्बा कितनी देर में आता भाई, शुरुआत में ही लग जाएगा भाई, वेट कर रहा हूँ यार। ये हमारा फर्स्ट जनरल का डिब्बा, अबे ठीक ठाक खाली भरा है भाई, ठीक ठाक भरा भाई। चलो यहाँ पे चढ़ लेते हैं दीदे से भाई, आएंगे तो चलो धक्कम दुखी हो गई यार, आराम आराम से चलो। वैसे भीड़ ज़्यादा भीड़ नहीं है, ठीक ठाक है यार, खाली है जहाँ तक। तो चलो भैया यहाँ सवारी उतरती है और हम लोग चटपट चढ़ते हैं भाई। तो भाई फाइनली आ गई अपनी भैया ट्रेन, और फिलहाल निकलते हैं यहाँ से। कहाँ थोड़ी दूर जाना यार, ज़्यादा दूर तो जाना नहीं, टावा निकलना फिलहाल। चलो भाई यहाँ पर देखो भका भक लगे पड़े भाई, ठीक है, बदबू कहाँ से आ रही भाई। चलो भैया चलो भाई। फिलहाल ये है इटावा का रेलवे स्टेशन, और भाई फिलहाल अभी आ गए इटावा। ये बहुत लंबा सफर, एक तो धीमे धीमे चल रही थी मरे मरे से ट्रेन यार, इस तरीके से चली यार बिल्कुल मरे मरे से, हालत ख़राब हो गई यार। तो मॉर्निंग टाइम है भाई, आज ठंड भी कम है भाई, देख रहा हूँ लेकिन बादल बड़े तगड़े छाए हुए हैं, बस पानी ना बरसे, पानी बरस गया तो साला दिक्कत हो सकती है। 6.5 hours later. तो भाई फिलहाल अभी जो काम था वो काम निपटा लिया, फिलहाल अभी यहाँ से निकलना। अभी यहाँ पे खड़े थे भाई की दुकान पे, जूस की दुकान पे जूस पी रहा था भैया 40 का, ये दे अपना अनानास साला सूख के बेचारा। तो अभी 40 वाला जूस पी लिया, तो मैंने कहा वो तो दिखाएंगे नहीं, फिलहाल अभी यहाँ से निकलना है। तो जो काम था वो काम हो गया, क्योंकि वहाँ पर मोबाइल अलाउ नहीं था इसलिए वो चीज़ दिखा नहीं पाया वो मैं आप लोग को। तो फिलहाल बाहर से थोड़ा सीन दिखा देता हूँ भैया, इटावा के बाहर का स्टेशन का सीन देख सकता हूँ भाई, कुछ इस प्रकार से है। तो चलो फिलहाल निकलते सीधे कानपुर, और रास्ते मिलते हैं, और रास्ते में आप लोग को ब्लॉग देखने को मिलेगा, जैसे जैसे जाएंगे पूरा रूट देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं आगे का ब्लॉग कैसा होता है। भाई कहाँ गया है भाई, पैसे ही चले रहे हैं, पैसा ले ले तो निकलते हैं यहाँ से। तो भाई फिलहाल वापस आ गए भैया अपना इटावा रेलवे स्टेशन, और कोई है देख लेते ट्रेन है कि नहीं है, नहीं है ट्रेन तो देखते। मैं सोच रहा हूँ निकल जाऊँ बस से निकल जाऊँ, अगर ट्रेन नहीं है ऐसे अभी इसमें तो देख लिया, फिलहाल चेक कर लेते ट्रेन खड़ी है क्या भाई, कोई एक मिनट माल गाड़ी। तो भाई अभी सीधे रेलवे स्टेशन से यहाँ पे आ गए, अभी जा रहे हैं यहाँ पे सामने की ओर जा रहे हैं, यहाँ पे बस स्टैंड पड़ता है तो फिलहाल इसी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि भाई ट्रेन है करीबन शाम के 5 बजे और उसके पहले ट्रेनें आए नहीं, तो इतनी देर मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर करूँगा क्या,
करीबन 2 से 3 घंटा मेरे को रुकना पड़ेगा, तो क्या फ़ायदा। ठीक है, तो फिलहाल अभी सीधे यहाँ से जा रहा हूँ, जाएंगे बैठेंगे बस पे। अब साला बस स्टैंड कितने दूर है भाई, मेरे को दिखाई दे रही है एक वो वाली बस फिलहाल निकलते हुए, चलो देखते भाई। तो भाई सामने दिखाई दे रही टावा कानपुर, पता करते भैया कौन कानपुर तक जा रही है, नहीं जा रही साला। कोई कह रहा है इधर स्टेशन है, कोई बता रहा है इधर स्टेशन है, इधर इधर उधर कानपुर कितना किराया कानपुर तक? 252 रुपये, 250 रुपये पूरा, 252 रुपये, यानी 150 रुपये एक्स्ट्रा लगता है यहाँ से कानपुर तक का भैया। चलो बैठते भाई। तो चलो भाई फिलहाल अभी बैठेंगे बस के अंदर, 252 रुपये है यहाँ से। और क्योंकि शाम के 5 बजे की ट्रेन थी, तो मैंने कहा कि उससे जाएंगे ना, तो शाम के 5 की बजे वो बजा सकती शाम के 6, तो मैंने कहा चलो इसी से निकल लेते। फाइनली खाली है यार, ये देखो भैया 252 में, भाई भाई को देखो कैसे जा रहा, 252 में टूटी सीट के साथ जा रहा भाई। 80 रुपये लगते हैं यहाँ से इटावा से मतलब कानपुर तक के 80 रुपये लगते हैं। और भैया ये बस से फर्स्ट टाइम अभी बस से जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कम ही आना होता होता है ना, कोई काम पड़ता तो ही आता लाल। अभी यहाँ से निकल रहा है, करीबन 2:30 बज रहा है, तो देखो बसते बसते का 2 घंटा लग गया बस से, देखते कितना लगता है, 2 घंटा 2.5 घंटा पहुँचा देते हैं, क्योंकि 150 किलोमीटर मात्र दूरी है। यहाँ तक शाम का वक्त हो गया, ये अपनी खड़ी सामने देखो बस खड़ी है, फिलहाल अभी ले ले रहा है लिया और जाके खाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। ठीक है, तो भाई फाइनली आ गया अभी कानपुर, और ये बस स्टैंड के पास उतर गया था मैं। अब फिलहाल मेरे को जाना है घंटाघर रेलवे स्टेशन, क्योंकि मैंने अपनी बाइक वहीं पर खड़ी की है, उसके चक्कर में मेरे को वहाँ से यहाँ तक आना पड़ा, क्योंकि बस जो थी ना मेरे घर के पास ही से निकली थी, लेकिन भाई मजबूरी में वहाँ से यहाँ तक आना पड़ा भाई। तो भैया ये है अपने कानपुर का लोकेशन भैया, अगर कभी भविष्य में शायद कोई अगर मुझसे मिलने आए तो वो ये वीडियो देख के मेरे घर तक बड़े इजीली से पहुँच जाएगा मुझसे मिलने। तो चलो फिलहाल यहाँ से चलते हैं, बाइक उठाते हैं, हेलमेट उठाते हैं, उसके बाद रास्ते में कुछ खाएंगे और फिर सीधे निकल लेंगे घर।